सावधान सावधान सावधान, सहार इंडिया कंपनी से सावधान। सहार इंडिया कंपनी डूबने के कगार पर है। बड़ी अपडेट जो दोस्तों आपके लिए लेकर आए, ये एक अपडेट आपके लिए सूचना है। अप्रैल 2018 से सहारा इंडिया ने जमाकर्ताओं के पूर्ण हो चुके खातों का भुगतान बंद कर दिया है। सहारा के एजेंटों को कहा जा रहा है कि नया खाता लाओ और उनके कलेक्शन से पूर्ण हो चुके खातों का भुगतान कराओ। नंबर दो, आपके एजेंट धोखे से आपको नया खाता खोल रहे हैं ताकि अपने पुराने खातों का भुगतान कर सकें। नंबर तीन, अपने खून पसीने की कमाई सहारा इंडिया में वर्तमान में आपके धोखेबाज एजेंट फंसा रहे हैं, अपने ग्राहकों को भुगतान एवं ऑफिस मेंटेनेंस के लालच दे रहे हैं, लालच में है। सहारा इंडिया कंपनी पूर्ण में आपके द्वारा जमा किए गए धन को अपने अलग व्यवसाय एवं विदेशों में निवेश करा दिया है और सुप्रीम कोर्ट से कंगाली का रोना रो रहा है। नंबर पाँच, सहारा इंडिया कोर्ट द्वारा अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कराकर जमाकर्ताओं के धन हड़पने की साजिश चल रही है। इसकी पुष्टि NCLAT की कंपनी एप्पल ने की है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14/8/2019 के आदेश का अवलोकन गूगल पर किया जा सकता है या अपने एजेंट के द्वारा आदेश की कॉपी मांग कर देख सकते हैं। नंबर छः, सुप्रीम कोर्ट के सहारा से भी केस संख्या 9813/2011 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केवल सहारा ग्रुप के दो कंपनी, नंबर एक सहारा रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं नंबर दो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर ही एम्बार्गो लगा है। यहाँ पर ये इन दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है। नंबर सात, इसके अलावा वर्तमान में चल रही सहारा के किसी भी सोसाइटी से या सोसाइटी के किसी भी स्कीम पर कोई एम्बार्गो नहीं लगा, यानी कि सहारा की जितनी यहाँ पर अन्य स्कीमें चल रही हैं उन पर कोई एम्बार्गो नहीं लगा है। और नंबर आठ, चूँकि सहारा इंडिया NCLAT को पैसा जमा करने के लिए प्रेजेंट चेक क्यों देती है, तो क्यों नहीं जमा करता हूँ कि ब्रांच मैनेजर से दो या तीन महीने का भुगतान देने के लिए समय देने पर ब्रांच मैनेजर से दबाव बनाकर प्रेजिडेंट चेक क्यू प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेजिडेंट चेक क्यू प्राप्त कर सकते हैं। क्यू शॉप के भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट का कोई रोक नहीं है। नंबर 10, सहारा इंडिया के घोषणा के अनुसार इनके पास देनदारी के से 3 गुना एसेट या संपत्ति है, तो यह हिस्सा बेचकर जमाकर्ता का भुगतान क्यों नहीं करती है। बंद करो बंद करो बंद करो, सहारा इंडिया में जमा करना बंद करो, यानी कि पैसा जो आप देते हैं वो देना बंद करो, क्योंकि यहाँ पर एजेंट आपको धोखे से आपका खाता खोलकर आपकी रिन्यूअल लेकर आपको ही वापस करने का यहाँ पर एक षड्यंत्र चला जा रहा है। जैसे कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर एजेंटों को लालच दिया गया और उस लालच के चलते यहाँ पर कुछ यहाँ गलत तरीके से ये लोग इनके खाते खोल रहे हैं, जिन लोगों का पैसा डूबा हुआ है उनके खाते दोबारा खोल रहे हैं। यही कुछ गोरख धंधा सहारा इंडिया में चल रहा है, क्योंकि पूरा पैसा जो निवेशकों का था, जैसे कि मैंने बताया कि विदेशों में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट को रोना रो रहा है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास सेबी के पास जमा कर दिया, जो धन था वो धन हमारा वापस दे दो, हम निवेशकों को दे देंगे। तो दोस्तों, यही रंडी रोना इस वक्त सहारा इंडिया में चल रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार मौन है, जबकि सहारा के निवेशक प्रत्येक ब्रांच पर प्राय धरना देते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि जंतर मंतर पर भी ये लोग भव्य प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सरकार और सरकार के सेवी विभाग और सुप्रीम कोर्ट मुख्य दर्शक बनकर इन गरीबों को मरते देख रहे हैं, क्योंकि सहारा के निवेशक बहुत ही गरीब हैं और 15 लाख जो एजेंट इस कंपनी के हैं उनकी दयनीय हालत है, क्योंकि बिजनेस बंद है, कमीशन मिल नहीं रहा, नौकरी सहारा दे नहीं रहा। और दोस्तों, नौकरी सहारा देता भी नहीं, केवल यहाँ पर निवेशकों का पैसे के ऊपर जो इनको कमीशन होता है उसी के आधार पर एजेंट यहाँ पर अपनी जीवन यापन करते हैं, लेकिन उस पर भी ग्रैंड लगा हुआ है, वो भी सहारा से भी के केस में यहाँ पर बहुत बड़ी
निवेशकों के साथ साथ एजेंटों के ऊपर भी मुसीबतें बनी हुई हैं। उन मुसीबतों को कम करने के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज सहारा के निवेशकों को सावधान करने वाली एक सूचना। सूचना पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय जय भारत।